by the Education Convent, the Provincial Thank you. Happy congratulations. Thank you. Okay, Prof. Thank you very much for all the support. Hello everyone. I am on my way to Chilika. It is a long route, about 500 kilometers from Chhattisgarh, Jagdalpur. And I've already crossed the Orissa border. And as I am passing through Koraput district, this is a drought prone and rather backward district, said to be. But it appears very green and full of paddy fields, beautiful. I come across this mud bank river dam. I think it is Jolaput. I heard that Hirakud also is somewhere here, the famous Hirakud dam. So I'm just waiting to see the rest of this dam. There's a free access. Nobody is bothered that you are coming this side. No restrictions whatsoever. You can come by your scooter or bike or your car. You can maybe stop over and see the view, and then maybe have a small picnic if required, and then depart. This really a free access country it appears to be. This is for irrigation, right? Irrigation ke liye. Irrigation. So this area 10,000 hectares. This is Telegiri Dam actually. This is meant for irrigation. Irrigation. Near about Aikoto, 10,000 hectares. This is supposed to be irrigating about 10,000 hectares. You can see the paddy fields all around. That is really beautiful. I do not know what these hills are being called. Iska naam kya hai? Hills? Hills. कौन से इस पहाड़ को क्या बोलते हैं? ये पहाड़ कहाँ के पहाड़ हैं? ऐसे तो कोई नाम नहीं है. नाम तो है. तो इधर कोई पाबंदी नहीं है, सब कोई भी आ सकते हैं. अभी क्या है, ये अभी शुरू हुआ है. अच्छा, ये नया नया बना है. काम चल रहा था. अच्छा, ये तेलंगिरी डैम ट्रायल इरिगेशन 3 साल से खत्म हुआ है. इस साल पहली बार फुल इरिगेशन हुआ है. अच्छा, इसको अभी इसको प्रबंधिका रिस्ट्रिक्शन जो होने वाला है. अच्छा, मैंने भी सोचा ये तो बहुत ही खुला छोड़ रखा है. ऐसे तो कभी देखते नहीं. के लिए स्ट्रक्चर बना रहे हैं. अभी अगले साल से ये फुल सिक्योरिटी हो जाएगा. ये राइट डाइक है, वो मेन डैम है. इधर से मेन कैनाल शुरू होता है. और उधर एक और डैम है. वो नहीं, डैम नहीं, वो डैम है. ये डाइक है. अच्छा, ये इधर से स्पिल होता है पानी. अच्छा, जब पानी मैंने रिजर्वर लेवल फुल हो जाता है तो उस साइड जो स्पिल गेट है वहीं से वाटर को डिस्चार्ज करते हैं. अच्छा, डैम कितनी दूर है इधर से? डैम ये तो 1100 मीटर है. 1 किलोमीटर. ये जो रास्ता में गए ना. अच्छा, तो उस तरफ जो बंधा हुआ है. हाँ, वो भी देख सकते हैं. अच्छा अच्छा, वो जो बंधा हुआ है वो 1100 मीटर का. ये कैनाल का सिस्टम शुरू हुआ है यहीं से. अच्छा अच्छा, ओके. ये कैनाल है. ये कैनाल के लिए हाइड्रोग्लोटर है. ये गेट है. यहीं से पानी छोड़ने से कैनाल से पानी जाता है. तो आप इससे बहुत वाकिफ है, आप इस डिपार्टमेंट के कोई तो है? अच्छा अच्छा, थैंक यू. 2828 किलोमीटर है मेन कैनाल इसका. अच्छा, ये तो कोरापुट कुछ बैकवर्ड इलाका है. हाँ, कोरापुट बैकवर्ड मतलब ऐसे क्या? बैकवर्ड भी तो नहीं, अभी तो बैकवर्ड नहीं.
हाँ मतलब इधर तो भुखमरी ऐसे कुछ होता है? नहीं 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 भुखमरी में कोई नहीं मरता, डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ है। हाँ हाँ बाकी जगह पे जो जहाँ हुआ है टाउन वगैरह जो भी जितना डेवलपमेंट हुआ है ज्यादातर कालाहांडी जैसे तो कुछ नहीं। ये रिमोट एरिया नहीं है, ये रिमोट एरिया है, लेकिन इसका अभी मैंने टाउनशिप ज्यादा बढ़ गया है और कोई दिक्कत नहीं। जो पहले था 30 साल पहले जो था अभी टोटली चेंज हुआ है, बहुत कुछ चेंज हुआ है। और कोरोना का भी कोई ज्यादा असर नहीं है? कोरोना में नहीं है उतना। अच्छा कोरोना नहीं है अभी, मतलब शायद जनसंख्या तो भारी नहीं होगी? नहीं जनसंख्या भारी है लेकिन उड़ीसा से सबसे कम कोरोना कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में अच्छा अच्छा अफेक्टेड हुआ है। इस साल में बारिश भी कम है शायद? बहुत कम है, बहुत कम है। नहीं तो अभी बाढ़ होती है? हाँ अभी बाढ़ होती है, लगभग 2 साल पहले कोरापुट डिस्ट्रिक्ट का 20 साल पीछे जो था, अभी आपको जुलाई अगस्त सितंबर महीने में सूरज देखना बहुत मुश्किल था, लेकिन इस साल बादल देखने के लिए लोग तरस रहे हैं। बहुत बुरी बात है, ऐसे ही केरल में भी ऐसे ही होता है। पहले तो जून से अगस्त तक लगातार बारिश होती थी, आजकल तो बहुत कम होती है। तो त्रिवेंद्रम में बारिश है लेकिन उतनी तगड़ी बारिश नहीं है, तगड़ी बारिश नहीं। जैसे आप बोलते हैं ना अभी लगातार बारिश, वो पुराने जमाने में थी, लेकिन अब तो होता है, होती है बारिश, होती है रुकती है फिर होती है, ऐसे तो ज़्यादा झंझट नहीं है, कम है। अच्छा धन्यवाद। तो आप रमाकांत जी हैं? आशुतोष त्रिपाठी। और आप? पवन सर। अच्छा जस्ट एस्केप्ड एट टफ टेरेन, देयर वाज नो मोर ब्रिज, ब्रिज वाज इन रिपेयर एंड वी हैड टू क्रॉस क्लाइम डाउन द हिल, ऑल कच्चा रोड एंड देन देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लोइंग रिवर बट नॉट वेरी डीप, अबाउट जस्ट 1 फुट एंड विथ डेलिकेट बैलेंसिंग बिकॉज वी डू नॉट नो हाउ द bottom of the water is. It was all rocks and pebbles, and I got my whole shoes and feet wet, but managed to scrape through and get across. And this stream is actually flowing towards the same bridge, and I'm back on Koraput road. It is a very nice road, but the bridge is gone, and hence people are put to trouble. But then there is no warning, no indication as to what to be done, nothing of the sort is there. And if somebody is not familiar with the terrain, it is likely that they get confused. But the river, you cannot but say that it's beautiful. As you can see, small rapids on the way, on this route. Yeah, felt extremely sleepy on the ride, and a couple of times I began to sway and maybe perhaps fall. So I decided to have a small stop here. This is a culvert, and it is about 8 feet down, and I had a small break, slept with my bag below my head and my handbag on my hand, my bike beside me. Yes, I rested for about 10 minutes, I believe. Now I think I am fresh. I must continue on my trip. This is interesting. With all these baggages and after so many years, I am trying to snatch a sleep on the way like this and on a culvert. And just below that, this is just about 1.5 feet, not even that. And below the fall, it will be just about 8 feet down. But I could still balance, happy about it. This is Raigarh city. And you get a very beautiful panoramic view from this hilltop. It's climbable, and nobody around seems to know what is the name of this particular
hill ranges. But they are indeed very, very beautiful. And the river is there. There is also a hanging bridge across which can be seen from here, which is a kind of attraction. I hope you can see it. Yeah, I came late, and some sisters around are helping me out to go around this place and see that. And so this is Raigada city or town. And this is a place the government has prepared so that people can come and rest, have picnic and spend some time. And that is the challenging hill which I would like to climb. But thanks to the circumstances and my time constraints, I'm not able to do that. Okay, that's all from my end for this place. This is a Christian village in Odisha, Raigada. And people are all away. It's already 6 o'clock, but they have gone for their farming activities and they are ready to come back. And usually they cook and eat at the farm side, Kutia. Kutiaguru. Kutiaguru, and then they come back for sleeping to the village. This is a bitter gourd plant. And you can see it's a wonderful technology coming into the villages. It's a solar aided water tank. So the villagers can fetch their water from here, and as the water level decreases, it will automatically pump more water into the tank using solar power. So that is an enabler. It can reduce the task of the women. That's really wonderful. There is also a government school in this village, but then it is not functional because now there are more hostel facilities in more equipped schools, and teachers are reluctant to come. So usually they are neglected, and hence there is hardly any attendance. Practically this school is no more functioning. But it is rather equipped. All the same, lack of teachers coming to remote villages. This is Anganwadi house. Then this is Anganwadi. And the typical palm which we see in Tamil Nadu area, that is also here. There's a small village chapel out here. I'm meeting Mr. आपका नाम? हाँ आपका नाम? मैं ब्रह्मानंद बिडिका. ब्रह्मानंद बिडिका. बिडिका. हाँ ब्रह्मानंद बिडिका नेटिव ड्वेलर. आप कैसे? ठीक है. पनवाड़ी. पनवाड़ी. ये इस गांव का नाम पनवाड़ी है. आप कितने साल हुए? आपका आपकी उम्र? क्या फादर? 70 हो गया. कितने? 70 है अभी? अभी 62 फादर. 62? आप तो जवान है, हम भी तो 60 है. आप कहाँ के सीनियर है? ओल्ड फैशन. ओह अच्छा अच्छा. आपका नाम? दोरा सिरका. दोरा सिरका. आपकी वाइफ है? नहीं नहीं देयर स्टाइल ऑफ. हाँ बहुत अच्छा है. चले फादर ठीक. खेती कैसी है इस साल? खेती हाँ खेती अच्छी है. खेती बारिश नहीं है? ऐसा बारिश नहीं है इसे बताएं. बारिश नहीं है. कैनाल पानी. हाँ कैनाल पानी है तो फिक्र नहीं है. क्या चावल है? चावल. हाँ चावल. धान? धान. धान कोपा कोपर कॉटन. कॉटन अच्छा. कपास? कपास. नमस्ते.
This is a very typical kind of modern village, not old village. The as you see, the construction is all using the concrete and brick materials. This is a recent change. This is a traditional curtain or a door from bamboo. This is from bamboo. And this is the traditional thatching. ये घास का क्या नाम है? बोधा है? क्या बोलते हैं? चना बोलते हैं पहले। चनो। चना। चना घास। ये कितने साल लगेगा? ऐसे एक बार करते तो? तीन साल लगेगा फादर। तीन साल। तीन साल तक रहे ये पुराना ज़माने का। नमस्कार। नमस्कार। ये हमारा कर्मी है। अच्छा अच्छा। तो इधर सामाजिक कार्य भी चलता है, कुछ पानी और हेल्थ के इश्यूज में इधर कुछ काम चलता है। दिस एरिया व्हाट वी फाइंड इज प्रेडोमिनेंटली दे हैव नदी है। नदी का नाम? नदी छोटा नदी है, छोटी नदी है, झरना है, उसी में नहाते हैं लोग। नहाते हैं? नदी नदी पास है। अच्छा, आइए देखिए। ज्यादा जाना पड़ेगा? नहीं, देयर इज अ स्मॉल स्ट्रीम दैट गोज बाय द रिवर। दिस टेरेन इज रियली ब्यूटीफुल एंड दिस इज कपास और कपो। कपा दैट इज कॉटन। कॉटन कितने महीने लगते हैं इसके लिए? फादर कितने महीने लगते हैं? 5 महीने, 6 महीने, 1 साल? नहीं, हाँ यहाँ। हाँ, इसके लिए कितना महीना लगते हैं? 4 महीना लगता है। 4 महीना बस। द प्रॉब्लम विद इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स लाइक कैश क्रॉप्स लाइक कोपा और कॉटन इज दैट दे इनवेरिएबली आर हैव टू बी इनवेरिएबली यूज पेस्टिसाइड्स एंड दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू अफेक्ट द सॉइल। यूजुअली rice and maize are the typical crops, and there is abundance of moringa, as you see moringa, and also even coconut trees are there here, and in abundance you get from as a forest fruit you get sitafal. So you can see oh jhadu hai jhadu nahi ओके। सो दिस वे यू कैन सी हाउ रोप इज बीइंग मेड यूजिंग ग्रास। इस घास का क्या नाम है? सोबाई घास। सोबाई घास, सोबाई घास। आंटी आपका एक फोटो। And that is really wonderful. See, this is the grass they use for making this kind of ropes, and this will be sold in the market. It's very, very strong and useful. It's very strong. Break. Bahut acha. Oh, good to see Andy. Thank you. And you can see a typical charpoy or typical village coat. I think you are familiar with this. They are still in use, but a modern version is coming here that is much worse to look at and see. But this is really wonderful. But the rope is different. Huh? This one is... That rope is... Same rope is being used. These houses, there are people who go from here to Kerala and work and earn money and then come back and build pakka structures like this. So that is also an impact of Kerala economy. And you see, this is different, huh? Jute. Jute.
This one only they use for making that coat. Yeah. This is a stronger variety. This is the kavri. Kavri. Dusra? Sabai ghas. Sabai ghas. Oh. Yeah. It's so strong. They have all come back from work and they are very very happy to meet the sisters who are working here and even very happy to meet me. They belong to Kondos group and their language is Kui. Finally, we have a mobile shop here. Aapka naam? Baburam Nilgiri. Baburam Nilgiri, aap gaon tak aaye hain aur ye sara saman gaon walon ke liye leke aate hain aur aise log khareedte hain aur baaki sab jan abhi wapas aaye hain. Bahut khushi hui aap sab se milkar. Okay bhaiya, dhanyawad. This a view of the town at night. Yeah, this camera cannot fully comprehend the view, but you can have a bird's eye view of the Raigada town. It's very pleasing and cool to be here at night and spend time.